वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे कार्निवरस प्लांट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस के ऊपर। इससे पहले यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, मैंने लिखा है एवरी हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू बायोलॉजिकल हैज इन इट द सीड ऑफ इट सोल्यूशन। इसका मतलब कि हर प्रॉब्लम के पीछे उसे ठीक करने का जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डेंगू का जो लार्वा है उसको एक बायोलॉजिकल कंट्रोल जो बिलोंग करता है लेंटिबुलेसी फैमिली से, वो उसको कंज्यूम करके ठीक कर सकता है। मतलब अगर किसी तालाब में बहुत सारा लार्वा है डेंगू मच्छर का, डेंगू मस्कीटो का, तो अगर उसमें हम कार्निवरस प्लांट लगा देते हैं जो लेंटिबुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑटोमेटिक डेंगू मस्कीटो कंट्रोल हो जाएगा। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये पहला इम्पोर्टेंस है कार्निवरस प्लांट्स का। आप इसमें देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे रेड स्टार लगा हुआ है वहाँ वहाँ पे लार्वा ट्रैप्ड है, और वो ट्रैपिंग ऑर्गन है, जो स्मॉल स्मॉल बेग्स दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रैपिंग ऑर्गन। सो वेजिटेटिव पार्ट्स डाइजेस्टिंग द लार्वा इंडिकेटिंग विथ रेड स्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट वैलिडेशन है को सपोर्ट कर रहे। अब हम सबसे पहले जानेंगे ब्लैडर वर्ट्स के बारे में। लेंटिबुलेसी फैमिली के स्पेसिस को प्राय ब्लैडर वर्ट कहते हैं, एंड द कार्निवरस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो लेंटिबुलेसी में तीन इंपॉर्टेंट जेनरा है, जेनेलिसिया, पिंगुकुला एंड यूटिकुलारिया। तो आज हम यूटिकुलारिया के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्या क्राइटेरिया है कार्निवरस प्लांट होने का, क्यों हम किसी प्लांट को कार्निवरस प्लांट्स कहेंगे? तो पांच क्राइटेरिया है। फर्स्ट है ट्रैपिंग ऑर्गन, श्योर ए कार्निवरस प्लांट हैव ए ट्रैपिंग ऑर्गन। डाइजेस्टिव इंजाइम, प्रेजेंस ऑफ सेंसर, ग्रो इन लो न्यूट्रिएंट हैबिटेट, और फॉर एक्वेटिक कार्निवरस प्लांट पीएच शुड बी बिलो देन 6 लाइक यूटिकुलारिया स्पीसीज। और ये है इकोलॉजी, जैसे आर एसोसिएट स्पीसीज लाइक यूरोकुलम, रोटाला इंडिका, ऑस्बेस्किया, दीज आर द एसोसिएट स्पीसीज ऑफ ड्रोसेरा एंड यूटिकुलारिया। नाउ जेनेलेसिया, ओके, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज ग्रो इन वेट टेरिटोरियल टू सेमी एक्वेटिक एनवायरनमेंट। द प्लांट्स यूज हाईली मॉडिफाइड अंडरग्राउंड लीव्स टू अट्रैक्ट, ट्रैप, डाइजेस्ट मिन्यूट माइक्रोफोना, particularly protozoans. They are small herbs growing from a slender rhizome and bearing two morphologically distinct leaf type. Photosynthetic foliage leaves above ground and highly modified subterranean leaves used to trap prey. आप देख सकते हैं यहाँ पे the upper leaves do the photosynthesis. Okay. This is the flower. This is the butterworts. They are sticky, glandular leaves to lure, trap and digest insect in order to supplement the poor mineral nutrition they obtain from the environment. देख सकते हैं, it's very beautiful. You can observe a fly trapped on a butterwort leaf. Glandular hairs are visible. आप देख सकते हैं hairs. So like this, यहाँ पे आप मैकेनिज्म देख सकते हैं। You can observe the mechanisms, sessile gland, reservoir cell, mucilage, secretory cells, stalk cell. So how it is beautiful, you can observe. Now the bladderworts or urticularia, they occur in fresh water and wet soil, terrestrial or aquatic species across every continent except Antarctica. All Urticularia are carnivorous and capture small organism by means of bladder-like trap. Terrestrial species tend to have a tiny trap that feed on minute prey such as protozoa and rotifers swimming in water-saturated soil. ये Urticularia aurua है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे Urticularia aurua को। ये है ट्रैपिंग ऑर्गन यूटिकुलारिया हैमिल्टन का।
can observe the bladder wort is like an underwater venous fly trap. The bladder suck in and trap water insect. So this is the distribution of Urticularia species in India. This is the typical flower character of genus Urticularia. This is the mechanism, trapping mechanism. I published it in Springer Nature in 2018. Now trap. There are two types of trap, active and passive. Active means relative movement, passive sticky hairs or a long tube with hairy that trap prey like sundew, active like Urticularia. आप देख सकते हैं यहाँ पे दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव इंजाइम्स सम रिलेवेंट बैक्टीरिया सम यूज बोथ बैक्टीरिया एंड डाइजेस्टिव इंजाइम. दिस इज द ट्रैप मॉर्फोलॉजी ऑफ यूटिकुलारिया स्पेसिस. यूटिकुलारिया ओरवा साइज 1 to 5 mm एंड स्मॉलर यूटिकुलारिया हिर्टा साइज 0.3 mm. यू कैन ऑब्जर्व द पीएच वेयर इज यूटिकुलारिया. The pH is below than 6, where there is no Urticularia, the pH is more than 6. So most common associate flora of Urticularia species like Monocoria, Vaginalis, Eikornia, Cypsis, Alternanthera, Azolla, Carex, Cypress, Hydrilla, Ipomia aquatica, then Lemma, Limnophila, Nymphoids, Pistia. These are the important associate flora of Urticularia species. This is the Urticularia ova. You can observe their vegetative parts. You can observe here also.